कटरा से राजद की प्रत्याशी रश्मि प्रकाश इस समय नामांकन अपना कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से रश्मि प्रकाश के साथ जो तमाम राजद के नेता है वो यहाँ पर है। रश्मि जी, बड़ी जिम्मेवारी मिली है, यूं कहें पिताजी की जिम्मेवारी आप बड़े रोल में होंगी आप। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को मैं पूरी कोशिश से, पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगी। और जैसा मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए तन मन धन से पूरी निष्ठा से मेहनत की है, इनकी ये कर्म भूमि जन्म भूमि सब रही है और आज से ही यह मेरी कर्म भूमि है और ये मेरा घर है, मैं यही की हूँ, मेरा ससुराल यहाँ है, तो यहाँ के लोग मेरी प्राथमिकता है, महिलाएं हो पुरुष हो युवा हो सब मेरी प्राथमिकता है और सबके लिए मैं अच्छा कार्य करने की पूरी कोशिश करूं। रश्मि, एक बड़ी जिम्मेवारी है कि सामाजिक न्याय के लिए भी यहाँ काम करना है, उस सामाजिक न्याय के लिए कैसे खरा उतरेंगी क्योंकि राजद ने बड़ी जिम्मेवारी दी है लालटेन को देकर आपको। देखिए, जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं इसके लिए सबसे पहले सबका, जितने भी मेरे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका मैं तहे दिल से आदर पूर्वक उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि मेरे कंधे पे जो जिम्मेदारी है यह बहुत मजबूत कंधा बन के निकलेगा और किसी को भी जिसने मुझ पर यह विश्वास दिखाया है उनका विश्वास मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। और जो भी समस्या है मेरे क्षेत्र की मैं इससे अवगत हूँ क्योंकि मैं नई नहीं हूँ, मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ मेरे क्षेत्र के लिए। मैंने 2 साल दिए हैं इस क्षेत्र को और लगातार हर पंचायत, हर गाँव, हर मोहल्ले, हर टोले तक मैं पहुंची हूँ, हमारा पूरा दौरा चला हुआ है, तो मैं समस्याओं से बिल्कुल अवगत हूँ और बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरे सर पे वो ताज होगा और मेरे हाथों पे वो पावर या शक्ति होगी और मैं बस काम पे लग जाऊंगी। एक बात बताइए, एनडीए की बड़ी ताकत भी आपसे मुकाबला कर रही है, बीजेपी उसमें साथ होगी, तो ऐसे में क्या मुद्दा होगा जिससे लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्यों चुने जनता आपको? जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो भी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी है उनको तो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम और मैं आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगी उनसे। और मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरे मुद्दे हैं ये मेरे मुद्दे बिल्कुल क्लियर है। पहली बात, आप देखेंगे भूतकाल में भी आप जाएंगे, चतरा जब से बना है आप इतिहास में जाकर के देखेंगे आज तक कोई महिला उम्मीदवार नहीं थी, यहाँ तक आज पहली महिला ने नॉमिनेशन तक करवाया है। और ये सबसे बड़ा है कि महिलाओं की जो समस्या है, ये दुख तकलीफ है उनकी, वो सुनने के लिए कोई नहीं था, आज महिला उम्मीदवार है, महिला प्रत्याशी है, महिला विधायिका भी बनेगी। मैडम, ये जो दीदी गोगो योजना और मैया सम्मान योजना, ये महिलाओं को कितना, मतलब ये लड़ाई आप महिलाओं के बीच ही है? जी देखिए, ये सोच हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का था, उन्होंने हर महिला को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का ये जो प्रयास किया है वो बहुत ही काबिलियत तारीफ और सराहनीय है, हम लोग उनके लिए कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद करते हैं। और देखिए, जब कोई अच्छा प्रयास करता है तो लोग उनसे बहुत चिढ़ते कह सकते हैं और उनको नीचे गिराने का काम करते हैं और यही नीचे गिराने का काम एनडीए की सरकार कर रही है, वो पूरी ताकत लगा दे रही है कि कैसे हम यहाँ की जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसको तोड़े, लेकिन ये सरकार टूटने वाली नहीं है, इन्होंने हर गरीब हर जनता के लिए काम किया है, जनता आज की समझदार है, वो समझती है कि मैया सम्मान योजना सच है या गोगो दीदी योजना सच है। ये थी रश्मि प्रकाश जो अब काबिल हो गई हैं और राजनीतिक परिपक्वता इनमें आ गई है, ऐसे में अब देखना होगा कि चतरा में जो एनडीए से मुकाबला है रश्मि प्रकाश का, वो रश्मि प्रकाश किस बखूबी अदा करती हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, चतरा। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार, आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।